विदिशा में पुरानी रंजिशों के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले के बाद आरोपी फरार हो गए। जिले के मारी गाँव के रहने वाले रेवाराम अपने परिवार के साथ खेत पर बने मकान पर थे, तभी गाँव के ही रहने वाले हकम सिंह अपने कुछ लोगों के साथ आया और विवाद करने लगा, जिसके चलते दोनों पक्षों में गाली गलौज होने लगी। विवाद इतना बड़ा था कि एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमला करने वाले लोगों ने बुजुर्ग महिला को भी नहीं छोड़ा, वहीं बाकी की महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। बाद में आरोपी हमला करने के बाद बाइक से वहां से भाग खड़े हुए। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। 100 डायल और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और रेवाराम राम सेवक कलाबाई और गुलाब सिंह को हाथ पैर एवं सिर में गंभीर चोटें आईं, तो वहीं जगदीश का भी हाथ फ्रैक्चर है। इन सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत विदिशा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल देवाराम की शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया गया है। SP समीर यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराओं में इजाफा किया जाएगा। थाने के अंतर्गत हमारी गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। प्रारंभिक तौर पर जानकारी ये मिली है कि इनके बीच में कुछ व्यक्तिगत रंजिश और विवाद था, जिसकी वजह से इन लोगों ने आपस में मारपीट की है। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं, चोटें आई हैं, तो दोनों पक्षों की तरफ से इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और जो लोग आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।